नाउ इसके जस्ट प्रीवियस सेशन में मैंने कवर किया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट, लेकिन इस केस में इसमें प्रोवाइड किया कर रहा हूं एग्जीक्यूशन प्रोसेस यूजिंग दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के केस में आपके लिए आउटपुट इंपॉर्टेंट किस नहीं, इंपॉर्टेंट किसका है जस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस, जस्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था मेन फंक्शन को जस्ट कॉल करने के लिए ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। देन अगर मेन फंक्शन के लिए एग्जीक्यूशन टाइम पर जस्ट एग्जीक्यूशन से पहले अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कोई भी आर्ग्यूमेंट से वैल्यू पास करना है और इनपुट पास करना है, देन ये इनपुट से जस्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की हेल्प से पास करना पॉसिबल है। लेकिन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए वैल्यूज कौन पास करेगा, जस्ट डेवलपर और प्रोग्रामर। लेकिन वैल्यूज को यूजर गिवन वैल्यूज को जस्ट मेन फंक्शन के लिए सप्लाई करने के लिए और अवेलेबल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इसके लिए इंटरफेस कौन प्रोवाइड करेगा, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रोसेस को हाईलाइट करेंगे। जस्ट इस केस में मैंने गिवन कोड प्रोवाइड किया पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था मेन फंक्शन के अंदर मैक्सिमम अप टू 3 आर्गुमेंट पास करना पॉसिबल है, लेकिन जस्ट मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में आपको एवरी टाइम शो करूंगा ओनली 2 आर्गुमेंट, फर्स्ट वन argc, सेकंड टाइप argv। argc और argv क्या है, जस्ट वेरिएबल नेम्स, ये कोई फिक्स्ड नेम नहीं, जस्ट मैंने रीडेबल नेम प्रोवाइड किया। argc स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट काउंटर, argv स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट वैल्यूज। अगर आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट काउंट कराना है टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने में वैल्यू किसमें स्टोर होगा एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेम आर्ग्यूमेंट का वैल्यू डिस्प्ले कराना है यूज क्या करोगे एरे नेम, और मीन जस्ट एरे नेम कन्वर्ट किसमें जाएगा एज अ डबल पॉइंट। इसी को राइट डाउन करने का अदर वे क्या है, इसे जस्ट डिक्लेरेशन इंटरनली कन्वर्ट किसमें होगा इन द फॉर्म ऑफ डबल पॉइंट लाइक दैट, मीन दोनों के मीनिंग कैसे हैं एग्जैक्टली सेम। क्लियर लाइक दैट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट इस टाइप से एग्जिस्टिंग कोड इस कोड के रिस्पेक्ट में मैं प्रोवाइड करूंगा हाउ टू सप्लाइंग कमांड लाइन आर्गुमेंट टू द मेन फंक्शन। इस कमांड लाइन आर्गुमेंट सिंगल वर्ड में बोलो क्या है, जस्ट इनपुट टू द मेन फंक्शन सप्लाइड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग वैल्यूज फॉर दीज आर्गुमेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपर। मीन्स डेवलपर जब भी आर्गुमेंट्स के लिए वैल्यू पास करे तो वैल्यू पास करने का जस्ट वे क्या हुआ, मीन्स वैल्यूज अगर आप सी प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं यूजिंग सिंपली डॉस प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट, देन इस केस में कमांड प्रॉम्प्ट से भी आर्गुमेंट सप्लाई करना पॉसिबल है। अगर आप सी प्रोग्राम सिंपली एडिटर के थ्रू एग्जीक्यूट करा देन एडिटर के थ्रू भी पास करना पॉसिबल है। डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू किस टाइप से सप्लाई करें जस्ट मैं डिस्कस करूँगा ड्यूरिंग प्री प्रोसेसर्स। अभी तक मैंने डॉस से रिलेटेड मैंने कोई इंटरफेस तो नहीं किया इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं है, जस्ट हाउ टू सप्लाई कमांड लाइन आर्गुमेंट यूजिंग एडिटर सॉफ्टवेयर में जस्ट डिस्कस करें टर्बो सी एडिटर्स। सपोज अगर आप TC एडिटर यूज करो TC.exe, इस केस में मेन्यू बार में जस्ट आपको शो किया हुआ रन, देन रन पर क्लिक करो, रन के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने कंपाइल करने के लिए यूज करते हैं कंपाइल ऑप्शन, रन करने के लिए यूज करते हैं रन मेन्यू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्या रन, जैसे ही इस पर क्लिक करो देन इमीडिएटली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले आपको आर्ग्यूमेंट सेट करना है, देन सेकेंड केस में आपको रन पर क्लिक करना, तो आर्ग्यूमेंट सेट करने के लिए जस्ट रन पर क्लिक करेंगे मेन्यू बार में, देन आपके पास सब मेन्यू है, सब मेन्यू के अंदर सेलेक्ट क्या करना है क्लिक ऑन दिस आर्ग्यूमेंट ऑप्शन, आर्ग्यूमेंट पर क्लिक करो देन आपके पास न्यू विंडो ओपन होगा स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स, देन इसे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आर्ग्यूमेंट सप्लाई करना पॉसिबल है, आर्ग्यूमेंट्स के लिए वैल्यू सेट करना पॉसिबल है। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जस्ट ब्लॉक्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं फर्स्ट केस में, इस केस में टोटल 3 आर्ग्यूमेंट पास करना चाहता हूँ। फर्स्ट केस मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है ABC। क्लियर। नेक्स्ट केस मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया लाइक स्पेस PQRS, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सेपरेट किससे होंगे सेपरेटेड बाय स्पेस। सेकेंड केस मैंने डबल कोट्स में पास किया एज A-, जस्ट इसका लेंथ क्या 3-5 A-1-1-2 इन द फॉर्म ऑफ डबल कोट्स और A-then space के बाद जस्ट क्या है 1-2 मीन्स हाइफन के बाद क्या है स्पेस देन 1-2 टोटल इसका लेंथ क्या हो जाएगा 5। देन इस केस में जैसे ही आर्ग्यूमेंट सेट करोगे आर्ग्यूमेंट सेट करने के बाद क्लिक करो क्लिक ऑन ओके पर क्लिक करने के बाद अगेन सेकेंड लेवल पर फिर से आपको रन मेन्यू सेलेक्ट करना है, सेकेंड टाइम क्लिक किस करो रन बटन को, जैसे ही रन बटन पर क्लिक करेंगे यानी इमीडिएटली ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल क्या करेगा मेन फंक्शन, लेकिन मेन को कॉल करने से जस्ट पहले आर्ग्यूमेंट कन्वर्ट किस फॉर्म में होंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे, तो कन्वर्जन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जस्ट इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस हाईलाइट कर रहा हूँ। इन दैट केस जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस केस में एक्टिवेट हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग क्या है, इस इज द
ओएस प्लीज। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन कॉल करेगा, लेकिन मेन से पहले जस्ट ए आर्गुमेंट कन्वर्ट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग। टोटल इसमें कितने स्ट्रिंग पास हुए हैं, 1, 2, 3। थर्ड केस में स्पेस था, इसलिए उन्हें इनक्लोज किस फॉर्म में किया, इन द फॉर्म ऑफ डबल कोट्स। तो जैसे इसके साथ फर्स्ट स्ट्रिंग क्रिएट होगा एबीसी, तो एबीसी को स्टोर करने के लिए एक सेपरेट एरे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इन एरेज का कभी कोई नेम नहीं होगा, जस्ट एनोनियमस एरे और नेमलेस एरे। प्लस ये टर्मिनेट किससे होंगे, नल कैरेक्टर से। फर्स्ट केस में इसका एड्रेस क्या है, समथिंग 100। देन सेकंड आर्गुमेंट को स्टोर कराने के लिए सेकंड सेपरेट स्ट्रिंग क्रिएट होगा और कैरेक्टर एरे क्रिएट होगा। इस केस में आसान क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस। देन जस्ट उन्हें टेस्ट करने के लिए उन्हें डमी वैल्यूज पास किए, आप कोई भी मीनिंगफुल डेटा पास कर सकते हो। नेक्स्ट वन, थर्ड केस में मैंने पास क्या किया, ए हाइफन स्पेस ए जस्ट हाइफन और डैश देन स्पेस देन 1, 2। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से कोई इंटीजर नंबर भी पास कर तो इंटीजर भी सप्लाई कैसे हुआ, एज अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर किसी इंटीजर के रिस्पेक्ट में कोई आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, देन डायरेक्टली अर्थमेटिक ऑपरेशन स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल नहीं हो, तो इसके साथ रिक्वायर्ड क्या हुआ, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन और एरे टू इंटीजर कन्वर्जन। तो इसके साथ कई सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन जो कि मैं नेक्स्ट लेवल पर जस्ट कमिंग एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा, लाइक ए टू आई, ए टू एफ। ए टू आई स्टैंड फॉर एरे टू इंटीजर, ए टू एफ मीन्स एरे टू फ्लोट। देन इसके साथ टोटली 3 आर्गुमेंट पास किए, इसलिए टोटल एरे भी कितने क्रिएट हुए, 3 एरे। अब 3 एरेज के केस में टोटल आपके पास एड्रेस कितने हैं, सभी एरे के एड्रेस कैसे हैं, डिफरेंट इनके एड्रेसेस में डिफरेंस कितने का होगा कभी बताना पॉसिबल, लेकिन एलिमेंट के एड्रेस में डिफरेंस बताना पॉसिबल, मीन्स एलिमेंट कैरेक्टर टाइप के, इसलिए एलिमेंट में कितने का डिफरेंस, जस्ट 1। देन 3 डिफरेंट एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए नेक्स्ट लेवल पर अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट क्या करेगा, एरे ऑफ पॉइंटर्स। क्योंकि एड्रेसेस को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होंगे, पॉइंटर्स। लेकिन एक सिंगल प्लेस का एड्रेस है, मल्टीपल एड्रेस को स्टोर कराने के लिए क्रिएट क्या हुआ, जस्ट एरे। लेकिन इसे एरे का टाइप क्या है, इसे एरे के अंदर स्टोर क्या हुआ, जस्ट मेमोरी एड्रेस। जैसे फर्स्ट एलिमेंट में कैसा हो जाएगा, 100, सेकेंड प्लेस पर 200, थर्ड प्लेस पर 300। मीन्स फर्स्ट पॉइंटर में से सारे के सारे केस क्या, पॉइंटर्स। फर्स्ट पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, सेकंड कैरेक्टर। थर्ड पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, थर्ड कैरेक्टर। इस केस में एरे है तो एरे का भी खुद का एड्रेस होगा, लेकिन एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के, पॉइंटर टाइप के। और एक सिंगल पॉइंटर का साइज 2x होता है, इस केस में फिक्स्ड है। एरे के एलिमेंट में एड्रेस में कितने का डिफरेंस होगा, जस्ट 2 का। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 1000 है तो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 1004। मीन्स इस एड्रेस को डिस्प्ले कराना पॉसिबल है, देन आपके लिए प्रॉपरली डिफरेंस चेक करना पॉसिबल है। अगर इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 1000 है तो इसका नेम क्या हुआ, *1000। सेम एज सेकेंड एलिमेंट का नेम एड्रेस क्या है, 1002, तो इसका नेम क्या हुआ, *1002। सिमिलरली *1004। क्लियर। अगेन ना ही इस केस में कैरेक्टर एरे का कोई नेम है, ना ही इस केस में एक्चुअल एरे का कोई नेम है। रीजन, क्योंकि रियल प्रोसेस है मेमोरी एलोकेशन मेलॉक या कैलॉक फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कभी भी लोकेशंस के कोई नेम्स नहीं होते, लेकिन ये सारा प्रोसेस हैंडल कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इस केस में कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इस टाइप से एरे क्रिएट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट एरे क्रिएट करेगा। अब अगर आपको ये एरे और स्ट्रिंग एक्सेस करना, तो इन सभी स्ट्रिंग के एड्रेस रिक्वायर्ड होंगे। इन सभी स्ट्रिंग का एड्रेस किसके पास है, एरे ऑफ पॉइंटर्स के पास। तो अगर आपके पास इस मेन एरे का एड्रेस मिल जाए, देन आपके लिए रिमेनिंग एरे एक्सेस करना पॉसिबल। तो फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेन फंक्शन कॉल करेगा, तो मेन फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करेगा। फर्स्ट आर्गुमेंट इज आर्गुमेंट काउंटर, इस केस में कितने आर्गुमेंट पास किए थे यूजर के थ्रू, 3। तो स्ट्रिंग भी कितने क्रिएट हुए, 3। इसे एरे का लेंथ भी क्या है, ऑल्सो 3। तो फाइनली फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या हो जाएगा, 3। अगर मैंने 5 आर्गुमेंट पास किए होते, इस केस में एरे कितने क्रिएट होते, 5 एरे। पॉइंटर का भी लेंथ क्या होता, ऑल्सो 5। तो इस केस में काउंटर भी क्या पास होता, ऑल्सो 5। सॉरी, इसके मैंने मिस्टेक किया, 3 आर्गुमेंट पास किया, लेकिन इसके अलावा एक और आर्गुमेंट क्या क्रिएट हुआ, 1 मोर एरे। क्योंकि फर्स्ट केस में जस्ट स्टोर क्या होता, नेम ऑफ द फाइल। सपोज दैट इस प्रोग्राम का नेम क्या है, a.exe। तो इस केस में जब कमांड लाइन आर्गुमेंट पास होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया तो ऑलवेज फाइल नेम, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। तो इस केस में एक और एरे क्रिएट हुआ, जिसको मैं लिखना भूल गया था, फर्स्ट एरे। फर्स्ट एरे के अंदर जस्ट स्टोर क्या हो जाएगा, a.exe। क्लियर, a.e कैपिटल में था आई थिंक, x
ई वाट एवर, इसका मैं एड्रेस एज्यूम कर रहा हूँ एज अ 90, देन 91, 92 एंड सो ऑन। प्लस इस केस में अगेन वन मोर पॉइंटर क्रिएट होगा, इसे एरे का लेंथ क्या हो जाएगा 3 और 4, 4। इसका एड्रेस अगर मैंने इस प्लेस पर ऑलरेडी 1000 प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ 998। तो इस लोकेशन का नेम क्या होगा स्टार 998। प्लस इस प्लेस पर इसे एरे का एड्रेस जाना होगा एज 90। तो पॉइंट किसको करेगा फर्स्ट एलिमेंट, क्लियर। चेक कर सकते इस केस में इंडेक्स क्या होगा 0, 1, 2, 3 एरे इंडेक्सेस। इसे एरे का बेस एड्रेस क्या है, वट इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे, बेस एड्रेस क्या है जस्ट 998। लेकिन इस केस में टोटल एरे का लेंथ क्या है 4, आर्ग्यूमेंट्स भी कितने पास हो फिजिकली, अगर आपने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए तो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा 5 लेंथ, तो टोटल कितने हो जाएंगे इस केस में 4। और आपने एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, अगर आपने एन आर्ग्यूमेंट पास किए हैं देन इस केस में काउंटर का वैल्यू क्या हुआ एन प्लस 1। अगर एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया मीन्स 0, 0 प्लस 1 इज 1, एटलीस्ट कितने आर्ग्यूमेंट पास होंगे ऑलवेज 1। प्लस इस केस में फाइल नेम का ऑलवेज इंडेक्स क्या है 0, फाइल नेम एरे का एड्रेस जिस पॉइंटर के पास हो उस पॉइंटर का इंडेक्स क्या है 0, नेक्स्ट का क्या है मीन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जिस एरे में स्टोर है उस एरे को एक्सेस करने का इंडेक्स क्या है 1, लाइक दैट। फाइनली इस केस में मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या आर्ग्यूमेंट काउंट और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या हुआ एड्रेस ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स, एरे ऑफ पॉइंटर का एड्रेस क्या है 998, मीन्स इसका एड्रेस क्या है एरे ऑफ पॉइंटर और इसके अंदर भी अगेन क्या है पॉइंटर्स। तो मीन्स फाइनली ये एड्रेस किस टाइप का डबल पॉइंटर, इसलिए सेकंड वेरिएबल का टाइप भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है डबल पॉइंटर्स के फॉर्म में, क्लियर। प्लस यहाँ वेरिएबल नेम्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली argc और argv, अगर आप सी यूज करना चाहो xyz एनीथिंग्स, क्लियर। इनका डेटा टाइप फिक्स्ड है, प्लस डेटा टाइप इंटरचेंज करना भी पॉसिबल नहीं। इस केस में जैसे ही इस कॉलिंग के अकॉर्डिंग मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए मेन के अंदर टोटल कितने लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे 3, argc, argv एंड i। तो अगेन दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस। इस केस में जब रियल केस में मेन फंक्शन कॉल होगा तो मेन के लिए टोटल कितने वेरिएबल एलोकेशन प्रोवाइड करना 3, 3 वेरिएबल्स क्या हैं argc मीन्स आर्ग्यूमेंट काउंटर, सेकंड वेरिएबल क्या रहेगा जस्ट argv आर्ग्यूमेंट वैल्यू, वन मोर वेरिएबल इज देयर जस्ट i। argc मीन्स फर्स्ट वैल्यू 4 किसमें आसान हो जाएगा सी argc, तो argc का वैल्यू क्या है 4। सेकंड एड्रेस किस में आसान होगा argv का वैल्यू क्या होगा 998, मीन्स argv डबल पॉइंटर है, इस पॉइंटर के थ्रू पॉइंट क्या होगा गिवन एरे, इस एरे का नेम क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में स्टार argv, क्लियर। नेक्स्ट वन आई के केस में भी कोई इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हुआ दिस इज अप टू नाउ, जैसे ही मेन फंक्शन कॉल हुआ तो उस केस में इस टाइप का डायग्राम क्रिएट हुआ। इसे एरे को क्रिएट किसने किया है डेवलपर ने या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इसके लिए वैल्यूज किसने प्रोवाइड किए थे जस्ट डेवलपर, क्लियर। इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके कमांड लाइन आर्गुमेंट के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स के एरे क्रिएट करेगा एलिमेंट एरे और एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। दूसरा एरे किस टाइप क्रिएट हुआ एरे ऑफ पॉइंटर्स, टू टाइप्स के एरे क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एड्रेस किसका पास हुआ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स और एरे ऑफ पॉइंटर, मीन्स एड्रेस किसका आपके पास 998, किसका एड्रेस एरे ऑफ पॉइंटर्स, क्लियर। नेक्स्ट में इस पॉइंटर की हेल्प से आपके लिए रिमेनिंग एलिमेंट एक्सेस करना पॉसिबल है। जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या रहा जस्ट वैल्यू ऑफ argc का वैल्यू क्या करेंटली 4। इस केस में आउटपुट में प्रिंट क्या हो जाएगा इन फर्स्ट केस दिस इज द मॉनिटर, मॉनिटर के केस में फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले होगा जस्ट argc का वैल्यू विच इज 4, देन लाइन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्लैशन। कंडीशन टेस्ट कराएंगे आई का वैल्यू, आई के केस में इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है 0 से, देन 0 के देन 0 लेस देन c का वैल्यू क्या है ऑलरेडी 4, सॉरी यहाँ c नहीं आएगा मैंने टाइपिंग मिस्टेक किया है, ऑलरेडी काउंटर का नेम क्या है argc, इस प्लेस पर यूज क्या करें argc, क्लियर। argc का वैल्यू क्या है 4, 0 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन बॉडी एग्जीक्यूट होगा, बॉडी के केस में प्रिंट एफ में क्या पास हो रहा है argv ऑफ i, i का वैल्यू क्या है 0। इसके प्लेस पर जस्ट चेक करेंगे argv किस लोकेशन का नेम है, इस लोकेशन को पॉइंट कौन कर रहा है argv, तो इस लोकेशन का नेम क्या होगा argv ऑफ 0, argv ऑफ 1, argv ऑफ 2, argv ऑफ 3। आप इसको नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो रिगार्डिंग दिस पॉइंटर्स, क्योंकि पॉइंटर टू एरे और एरे टू पॉइंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। इसका नेम क्या होगा argv ऑफ 0, argv ऑफ 1, argv ऑफ 2 सेम एज 3,
AR GB of 0 में एड्रेस क्या है 90 और 90 किसका एड्रेस है फर्स्ट एरे का. सेम एज AR GB 1 में एड्रेस किसका सेकंड स्ट्रिंग का. AR GB 2 में एड्रेस किसका थर्ड स्ट्रिंग एंड सो ऑन. फाइनली इस केस में फर्स्ट एंड स्पीकर और AR GB of 0 तो AR GB of 0 में क्या 90 तो स्पेस पर प्रिंट एफ में पास किया हुआ 90. तो प्रिंट एफ वैल्यू किस एड्रेस से रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 90 लोकेशन ऑनवर्ड्स अप टू पोजीशन ऑफ द नल. तो इस केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा जस्ट ए डॉट ई एक्स ई फाइल देन स्लैशन से लाइन चेंज हो जाएगा. चेक करते हैं इस केस में रियल में पर्टिकुलर केस में जस्ट इस केस में राइट डाउन क्या किया था डायरेक्टली ए आर जी वी ऑफ जीरो इज इक्वेलेंट टू 90. रियल है कि नहीं इसको जस्ट पॉइंटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करा दें. ए ऑफ आई का पॉइंटर कन्वर्ट क्या होता है स्टार ए प्लस आई और ए के प्लेस पर आखिर क्या हुआ ए आर जी वी प्लस आई के प्लेस पर क्या जीरो स्टार. ए आर जी बी में वैल्यू क्या स्टोर है और इधर वैल्यू ऑफ ए आर जी बी पॉइंटर 998 में जब जीरो ऐड करा हुआ तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको ऑल्सो 998. देन फाइनली इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार 998 स्टार 998 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाए वैल्यू ऑफ लोकेशन 998 जिस लोकेशन का नेम स्टार 998 उस लोकेशन में वैल्यू क्या 90 तो स्पेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 90. इसलिए मेरे लिए डायरेक्टली 90 लिखना पॉसिबल है स्पेस पर. क्लियर. देन 90 प्लेस से स्ट्रिंग रीड होना स्टार्ट हो जाएगा डिस्प्ले क्या हो जाए ए डॉट ई एक्स ई. नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू क्या होगी इस केस में जस्ट वन. आई का वैल्यू वन हुआ अगेन कंडीशन टेस्टिंग मीन्स यहाँ लूप का बिहेवियर लूप का मीनिंग आपको ऑलरेडी क्लियर है. देन अगेन कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट टाइम चेक करते हैं अगेन आई का वैल्यू क्या है इस केस में वन तो पास क्या हो ए आर जी वी वन. तो ए आर जी वी वन के केस में चेक कर सकते हैं ए आर जी वी वन में क्या स्टोर है 100 तो इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ 100. देन स्ट्रिंग भी किस प्लेस से रीड होना स्टार्ट होगा फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड. सो 100 में क्या स्टोर है ए बी सी इसलिए नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा ए बी सी. चेक कर सकते हो इस केस में रियल में 100 के इक्वेलेंट है कि नहीं बाकी सब कुछ सेम है. इस प्लेस पर क्या है जस्ट आई का वैल्यू क्या है 1 इसका मीनिंग क्या हुआ ए आर जी बी प्लस 1. ए आर जी बी में क्या स्टोर है 998 998 प्लस 1 998 किस टाइप का एड्रेस है इसे एरे का एड्रेस है और एरे नेम्स क्या रिप्लेस होगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है 28 क्योंकि उनका टाइप क्या है पॉइंटर. इसलिए 998 में जब 1 से इंक्रीमेंट करा तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ रियल केस में 1 से या 2 से 2 से 998 प्लस 2 क्या हुआ जस्ट 1000. देन इस पर जब स्टार अप्लाई उसका मीनिंग क्या स्टार 1000 और स्टार 1000 के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे स्टार 1000 का वैल्यू स्टार 1000 में क्या स्टोर है जस्ट 100 तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 100 इसलिए इस केस में पास क्या हुआ 100. सेम है नेक्स्ट केस में क्या पास होगा 200 मीन्स ए आर जी बी 2 आई आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. देन पास क्या हो ए आर जी बी 2 और ए आर जी बी 2 में क्या 200. देन 200 से स्ट्रिंग प्रिंट होना स्टार्ट होगा क्या प्रिंट होगा इस केस में पी क्यू आर एस. सेम कन्वर्जन फिर से परफॉर्म कराना पॉसिबल है. नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट हुआ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अगेन पास मीन्स 3 लेस देन 4 कंडीशन अगेन ट्रू है. देन पास क्या हुआ ए आर जी बी 3 ए आर जी बी 3 में क्या स्टोर है दिस इज द ए आर जी बी थर्ड इंडेक्स मीन्स 300 पास हुआ इसके 300 से स्ट्रिंग रीड होना स्टार्ट हुआ डिस्प्ले क्या हुआ ए हाइफन स्पेस 12 ए हाइफन स्पेस 12 देन अगेन आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 4 देन कंडीशन टेस्टिंग 4 लेस देन 4 कंडीशन बिकम फॉल्स. इससे जस्ट पहले सारे के सारे आर्गुमेंट डिस्प्ले करा चुके हैं. मैं इस प्रोसेस को मैं बार बार हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ इस टाइप से इस पर्टिकुलर डायग्राम को फॉलो करके आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट पास करना पॉसिबल है. मीन्स अगर आप नेक्स्ट टाइम फिर से सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो तो वैल्यू परमानेंटली सेट हो चुके हैं जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे. सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करो सेकंड टाइम बाय डिफॉल्ट सेम आर्गुमेंट पास हो जाएंगे. क्लियर. देन अगर आपको आर्गुमेंट वैल्यू चेंज करना तो वैल्यू जस्ट एग्जीक्यूट करने से पहले आप आर्गुमेंट के लिए वैल्यू सेट करोगे. इसको मैं नेम दे रहा हूँ फर्स्ट स्टेप. देन वैल्यू सेट करने के जस्ट बाद देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम.